आज हमारा देश गर्मी से उबल रहा है, बट डू यू नो इट इज़ बिकॉज ऑफ कर्मा। आप सोच सकते हैं कि कर्मा से गर्मी का क्या लेना देना। इंसान पेड़ कटेंगे, नया नया सिटी बनाएगा, CFC जैसे गैस के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो गर्मी तो बढ़ेगा। इट इज़ कॉल्ड कर्मा। चलिए दोस्तों, कर्मा के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। मान लो सामने से आके आपको कोई एक जोर से थप्पड़ मारा, तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप उसको एक थप्पड़ रिटर्न में दे दो, या फिर आप उस टाइम पे कोई रिएक्शन ना दिखाओ। तो कर्मा उस इंसान को कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे? कर्मा कुछ इस तरीके से काम करता है कि मिसबिहेव करना उसका एक आदत बन जाएगा। सो इन फ्यूचर हो सकता है कि उसका गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चला जाए, या फिर उसको उसका वर्क प्लेस से निकाल दिया जाए। सो है ना इंटरेस्टिंग। बहुत लोगों को ये लगता है कि कर्मा बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। डरपोक इंसान जिसको बदला लेने का कोई साहस नहीं है, उन लोगों ही ओनली कर्मा वे ऊपर विश्वास रखते हैं। पर दोस्तों, असली में तो ऐसा नहीं है। आप बदला लो या ना लो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो टॉप करते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करता है। जो स्टूडेंट नहीं करते हैं वो फेल करते हैं। जिन्होंने तैरने की कोशिश किया उन्होंने ही तैरना सीखा, जिन्होंने कभी पानी में उतरा ही नहीं वो तैरना सीखा ही नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गया, तो चलिए थोड़ा और टिप में चलते हैं। मान लो कोई ऐसे इंसान जिन्होंने किसी को मर्डर किया हो, या फिर कोई रेपिस्ट, तो हम सबको पता है कि उन लोगों को तो सज़ा मिलेगा, पर वो विक्टिम का क्या? उन्होंने क्या किया था कि उसको सज़ा मिला? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला था, कर्मा इतना सिंपल चीज़ तो है नहीं। देखिए, वो विक्टिम शायद फर्स्ट लाइफ में कुछ ऐसा काम, कुछ बुरा काम तो ज़रूर किया होगा जो शायद आपको और हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पर जैसे यू नो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, कर्मा के ऊपर आपको क्या सोचे वो कमेंट में ज़रूर लिखना, और एक लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।